काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या है और इसका क्या उपयोग है। साथ ही बताएंगे टेलीप्राइम के सेल्स इनवॉइस पर इसे कैसे इनेबल करते हैं। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में हमने आपको वाउचर टाइप और वाउचर क्लास के बारे में बताया था, और आज की वीडियो में हम आपको प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप टेलीप्राइम की सभी वीडियोस क्रम से देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट की लिंक दी है। चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स का क्या मतलब है। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु का ऐसा मूल्य जिसमें वस्तु के मूल्य के साथ टैक्स भी जुड़ा हुआ हो। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास एक कस्टमर आया और बोला, भाई साहब मुझे एक प्रिंटर और एक सिलाई मशीन चाहिए। हमने कहा प्रिंटर 14,000 रुपए का है और उस पर 18% जीएसटी है। सिलाई मशीन 6,000 रुपए की है और उस पर 12% जीएसटी है। कस्टमर ने कहा, भाई साहब मैं टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन करना नहीं जानता, आप तो मुझे टैक्स के साथ इसका दाम क्या है वो बताइए। यानी मुझे आपको एक प्रिंटर और एक सिलाई मशीन के लिए कितने रुपए देने होंगे ये बताओ। इस तरह की जो चर्चा है वो प्रायः हमें वहां देखने को मिलती है जहां कंज्यूमर माल खरीदते हैं। जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर गए तो हम उससे टीवी का रेट टैक्स सहित ही पूछेंगे, और इसका कारण ये है कि दुकानदार टीवी पर कितना टैक्स ले रहा है इसे कंज्यूमर को तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो कोई व्यापार नहीं कर रहा है जिसमें उसे सरकार से कोई टैक्स की छूट लेना हो। वो तो टीवी को अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, जिसके लिए वो ये देखता है कि उसे टैक्स के साथ, या यूं कहें कि टैक्स सहित कुल कितने रुपए देना पड़ेंगे। यदि आपका व्यवसाय इस प्रकार का है जिसमें आप प्रायः उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को माल बेचते हो, तो आप एक ऐसी रेट लिस्ट पहले से बनाकर रख सकते हैं जिसमें अपने सभी आइटम्स के भाव, उन पर किस रेट से टैक्स लगता है, उस टैक्स रेट से कितना टैक्स बनेगा और टैक्स जोड़ने के बाद वो आइटम कितने का होता है ये सब लिखा हो, तो आप आसानी से अपने कंज्यूमर्स को टैक्स सहित रेट बता सकेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह की रेट लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद भी एक दिक्कत आ जाती है। जैसे कि यहाँ हमने प्रिंटर का रेट बगैर टैक्स के 14,000 रुपए रखा हुआ है, पर हम जो कस्टमर आया है उसको प्रिंटर 13,500 रुपए या 14,500 रुपए प्लस टैक्स के भाव से बेचना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम चार्ट में दिखाई पड़ रहे टैक्स रेट के आधार पर कैलकुलेटर पर रेट निकाल लेंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई रेट लिस्ट बनाई हुई नहीं है और हमें ये भी ध्यान नहीं है कि किस आइटम पर कितने प्रतिशत टैक्स है, तो हम कैलकुलेटर से भी किसी आइटम का टैक्स सहित रेट नहीं निकाल पाएंगे। इसका एक सरल समाधान है जो कि हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। अभी हमने इस रेट लिस्ट के आधार पर कस्टमर को टैक्स सहित प्रिंटर 16,520 रुपए और सिलाई मशीन का रेट 6,720 रुपए बता दिया है। रेट सुनने के बाद कस्टमर ने कहा, भाई साहब मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं टैक्स के बारे में नहीं समझता हूँ, आप तो मुझे इस तरह से बिल दीजिए कि उसमें आइटम का भाव 16,520 रुपए और 6,720 रुपए क्लियरली लिखा हुआ दिखाई पड़े। अब इसके लिए टैली ने एक सॉल्यूशन दिया है, चलिए उसको समझ लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे, अब सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करेंगे। ये देखिए सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। अब F12 की प्रेस करेंगे। अब यहां पर टैक्स डिटेल्स के अंतर्गत दिखाई पड़ रहे प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स जो कि अभी नो है उसे यस कर देंगे।
और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही वाउचर में रेट का एक नया ऑप्शन और आ गया है जिसके नीचे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा है, जिसका तात्पर्य है हमने टैक्स सहित जो भाव कस्टमर को बताए हैं वो हमको यहाँ पर टाइप करना है। तो आइए एक कैश सेल का वाउचर बना लेते हैं। सबसे पहले तारीख टाइप करें, पार्टी अकाउंट नेम में कैश सिलेक्ट करेंगे, यहाँ मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट में हम कैश टाइप करेंगे। यहाँ पर हम जिसे माल बेच रहे हैं उसका नाम टाइप करेंगे और यहाँ पर पता टाइप करेंगे। स्टेट में मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ कंज्यूमर सिलेक्ट करेंगे, सेल्स लेजर के आगे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ आइटम में हम प्रिंटर ले रहे हैं, क्वांटिटी 1 टाइप कर देंगे। अब रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में हम वो रेट टाइप करेंगे जो अभी हमने अपने कस्टमर को टैक्स सहित बताए थे। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही रेट में 14,000 अपने आप आ गया है। ये वो रेट है जिस पर हमने जीएसटी कैलकुलेट किया है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह दूसरा आइटम सोइंग मशीन सिलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी में 1 टाइप करेंगे। यहां पर हमने कस्टमर को टैक्स सहित जो रेट बताए थे वो टाइप कर देंगे। और ये देखिए, ऐसा करते ही रेट में 6,000 आ गया है। ये वो रेट है जिस पर हमने जीएसटी कैलकुलेट किया है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी इसलिए क्योंकि ये हमारे ही प्रदेश का कस्टमर है। यदि ये हमारे प्रदेश के बाहर का कस्टमर होता तो यहां पर हम आईजीएसटी सिलेक्ट करते। अब हम इनको जोड़कर देख लेते हैं। ये देखिए, हमने इन दोनों का टैक्स सहित जो भाव बताया था, ये देखिए जोड़ने के बाद वही अमाउंट यहां पर आ रहा है जो हमारे बिल का टोटल अमाउंट है। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर के कहे अनुसार हमने उसे बिल दे दिया है जिसमें ये स्पष्ट है कि उसने किस आइटम के लिए कितना रुपया दिया है। टैक्स का कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं है। अब हम इस बिल को सेव कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर आपको कुछ और भी समझाना चाहते हैं, इसलिए वापस रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पर चलते हैं और कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ये देखिए, अब बिल के टोटल अमाउंट में 98 पैसे आ रहे हैं। हमें इन्हें राउंड ऑफ करना होगा। उसके लिए हम सबसे आखिर में राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट करेंगे। राउंड ऑफ के बारे में हम आपको अपनी वीडियो नंबर 89 में डिटेल में समझा चुके हैं। ये देखिए, बिल 2 पैसे से राउंड ऑफ हो गया है। अब हम इस बिल को सेव कर लेते हैं और चलिए बिल का प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, यहां भी 2 रेट्स दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें पहला टैक्स के साथ है और दूसरा बगैर टैक्स के है। आप जो प्रीव्यू देख रहे हैं उसमें अगर रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिखाई ना पड़ रहा हो तो आप वापस प्रिंट स्क्रीन पर जाकर के सी की को प्रेस करें। अब यहां टाइप करें इंक्लूसिव। ऐसा करते ही एक ऑप्शन शो रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिखाई पड़ेगा। ये नो होगा तो इसे एंटर प्रेस करके यस कर दें और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा करने के बाद जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो उसमें दोनों रेट दिखाई पड़ने लगेंगे। यहां हम आपको एक बात बता दें कि यदि आप रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में कोई रेट नहीं डालना चाहते हैं तो फिर सीधे पहले की तरह ही यहां बगैर टैक्स वाले रेट डालकर भी बिल बना सकते हैं। ऐसा करने से जब आप बिल बनाकर सेव कर लेंगे उसके बाद
पेजअप की प्रेस करके वापस उस बिल पर आएंगे तो देखेंगे रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में भी रेट आ गया है। हम बिल का प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए यहां भी रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिखाई पड़ रहा है। अब वापस चलते हैं रेट लिस्ट वाली बात पर। मान लीजिए हमारा कोई कस्टमर किसी आइटम का टैक्स सहित रेट जानना चाहता है और हमारे पास टैक्स सहित कोई रेट लिस्ट नहीं है और हमें ये ध्यान भी नहीं है कि किस आइटम पर किस परसेंट से टैक्स लगता है। ऐसे में हम आइटम पर लगने वाला टैक्स और टैक्स सहित रेट कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, टैली ने इसका भी सॉल्यूशन दिया है। चलिए हम पहले की तरह एक वाउचर बना लेते हैं। यहां हम आइटम में प्रिंटर सिलेक्ट कर रहे हैं और क्वांटिटी में 1 टाइप कर रहे हैं। ध्यान रखें यहां कस्टमर हमसे कितनी भी क्वांटिटी में माल ले रहा हो यहां पर हम 1 ही टाइप करेंगे, क्योंकि वास्तव में हम सेल्स बिल नहीं बना रहे हैं, हम तो सिर्फ एक आइटम का भाव जानना चाह रहे हैं। रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में हम कोई रेट टाइप नहीं कर रहे हैं और बगैर टैक्स के प्रिंटर का भाव 14,000 रुपए टाइप कर रहे हैं। इसी तरह हम सिलाई मशीन की क्वांटिटी भी 1 ही लेंगे और रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स को ब्लैंक छोड़कर बगैर टैक्स के भाव 6,000 रुपए टाइप कर देंगे। उसके बाद यहां सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर सिलेक्ट करेंगे। अब इस वाउचर को सेव नहीं करते हुए इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल और पी कीज को प्रेस करेंगे। अब प्रीव्यू देखने के पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसके लिए सी की को प्रेस करेंगे। अब यहां टाइप करेंगे जीएसटी डिटेल्स। ये देखिए ऐसा करते ही शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है जो कि अभी नो है। इसे यस करने के लिए एंटर प्रेस करें और कंट्रोल और ए की से इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लें। अब प्रीव्यू देख लेते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए हम प्रिंटर 14,000 रुपए और सिलाई मशीन 6,000 रुपए प्लस टैक्स के साथ बेचना चाहते थे और कस्टमर उसका टैक्स सहित रेट जानना चाहता था। हमें आइटम पर क्या टैक्स रेट है ये भी ध्यान नहीं था। अब हमारे सामने टैक्स रेट भी है और टैक्स सहित आइटम्स कितने के हैं ये भी दिखाई पड़ रहा है। बस एक बात का ध्यान रखें, हम इस वाउचर को सेव नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस हमने सिर्फ रेट निकालने के लिए की है। अब हम वापस प्रिंट स्क्रीन पर जाकर सी प्रेस करेंगे और फिर शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स को एंटर प्रेस करके नो कर देंगे और अब एस्केप की प्रेस करते हुए वापस ब्लैंक वाउचर पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया कि रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या है और इसका क्या उपयोग है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी गुड्स के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।